2019 से ही हटाने का आदेश था। कि जो ये जो रीवा के अंदर जो ये कलेक्टर बैठे हैं, इनको कोचिंग लेना चाहिए, ये बिल्कुल कलेक्टर के योग्य नहीं है। अच्छा बात नहीं है। सबसे बदनाम विधायक केपी त्रिपाठी, सब जगह लूट है, लेकिन हमें मुख्यमंत्री तो बहुत नौटंकीबाज है। कलेक्टर आज तक पीड़ितों से मिलने नहीं आया है। अच्छा बात नहीं है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। एक बार फिर मैं हाजिर हूं रीवा जिले के भ्रष्टाचार को उजागर करती हुई एक ऐसी खबर लेकर, जिसमें जिले के भ्रष्टाचार को उजागर करती हुई एक खबर हम बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे सारे नियम कायदों को ताक पर रखते हुए बेरोजगारों के भविष्य को दांव में लगाकर अपने चहेतों को किस तरह से मलाईदार पदों में बैठाने के लिए जिले के अधिकारियों के साथ पूरा खेल खेला जा रहा है और रीवाई जनता का खून चूसकर अपनी तिजोरियां भरते हुए ये मोटे बिलार होते जा रहे हैं। रीवा जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार सिर्फ अधिकारी कर्मचारी नहीं कर रहे, बल्कि इनके भ्रष्टाचार में शामिल हैं रीवा जिले के जनप्रतिनिधि, जो अपने ही गुर्गों को ऐसे मलाईदार पदों में बैठाकर शासन के द्वारा जारी की गई राशि को अपने इन्हीं दलालों के माध्यम से अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आए दिन हो रही भ्रष्टाचार निवारण विरोधी कार्रवाइयों से साफ पता चलता है। लोकायुक्त पुलिस ने जिस तरह से भ्रष्टाचारियों की गेटिस ढीली की है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने वाले कैसे इन्हें खाद बीज देकर भ्रष्टाचार की फसल लगातार काट रहे हैं। हालांकि सरकार के नुमाइंदे कह देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार दिखता है, जबकि सच्चाई यह है कि जो कार्रवाई होती है वो नाम मात्र की होती है, बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटों की बलि दी जाती है। दरअसल विगत दिनों रीवा पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय लक्ष्मी मारावी, लेखा अधिकारी महेंद्र वर्मा और एक कंप्यूटर ऑपरेटर ललित द्विवेदी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। उक्त शिकायत कोई और नहीं बल्कि जनपद के ही एक कर्मचारी के द्वारा की गई थी, जिसमें 6500 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार हुए, लेकिन उक्त कंप्यूटर ऑपरेटर को आरोपी नहीं बनाया गया। हमने आपको पहले ही अपनी खबर में बताया था कि रीवा जनपद पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती राज में मिलने वाले फंड को कई नेताओं ने अपनी तिजोरी भरने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें ऐसे कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो जयद्रथ से भी ज्यादा कपटी और छल करने वाले हैं। अगर कोई अभिमन्यु बनने की कोशिश करता भी है तो उसे घेर कर जनपद पंचायत सीईओ सिरमौर जैसा हाल कर दिया जाता है। रीवा जनपद में दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर ना होने के चलते डेली वेज यानी आउटसोर्स के जरिए 2017-18 में 4 ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई थी, जिनकी नियुक्ति समाप्त करने के लिए राज्य सरकार पहले ही लेटर जारी कर चुकी है। उन कर्मचारियों में विजय शर्मा ऑपरेटर निवासी भाटी, ललित द्विवेदी ऑपरेटर निवासी सिमरिया विधानसभा बधरा, दीपक अग्निहोत्री ऑपरेटर निवासी सिमरिया विधानसभा, जिन्हें भाजपा नेता का बेटा बताया जाता है, और ज्योति श्रीवास्तव ऑपरेटर थी, जिन्हें दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 9045/20/9/2019 को इन ऑपरेटरों को ना रखने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बावजूद इन कंप्यूटर ऑपरेटरों को जनपद के महत्वपूर्ण कुर्सियों में बैठाकर लेखा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जवाबदारी दी गई थी। इतना ही नहीं, आय व्यय कर्मचारियों के वेतन से लेकर विभिन्न मदों के भुगतान की पूरी जवाबदारी भी लगातार यही निभा रहे थे और लगातार मनमानी वसूली भी चल रही थी। इन्हीं के द्वारा अपने नेताओं के संरक्षण में पनप रहे भ्रष्टाचारियों के खातों पर पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, जिसकी पोल भी हम आगे चलकर कभी जरूर खोलते हुए पर्दाफाश करेंगे। पूरा मामला लोकायुक्त में पकड़े जाने के बाद जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर के है। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और 2 को आरोपी बनाया, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर ललित द्विवेदी, जो मुख्य आरोपी बताया जाता है, उसकी जनपद में नियुक्ति अवैध होने के चलते लोकायुक्त में आरोपी नहीं बनाया गया। इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि जब वो सरकारी कर्मचारी ही नहीं है तो लोकायुक्त में आरोपी कैसे बनाया जाता। तो लग तो ऐसा रहा है कि कुल मिलाकर इन ऑपरेटरों की नियुक्ति जनपद में नहीं है, सिर्फ मौखिक आदेश पर इतनी बड़ी जवाबदारी ये ऑपरेटर निभा रहे थे और लगातार स्थायी कर्मचारियों का शोषण करते हुए अपनी तिजोरी भर रहे थे। पूरे मामले का खुलासा करते हुए विराट 24 न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई तो जिला पंचायत सीईओ ने अपने पत्र क्रमांक 9084 दिनांक 23/12/2022 को आदेश जारी कर दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटर विजय शर्मा को जनपद गंगेव और ललित द्विवेदी को संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक जन कल्याण रीवा संबद्ध किया जाता है। लेकिन जिला पंचायत सीईओ को शायद यह अनुमान न रहा होगा कि ऊपर बैठे भ्रष्टाचारी तथा कथित विकास पुरुष अपने गुर्गों को बचाने के लिए उन पर ऐसा दबाव डालेंगे कि अपने ही आदेश को चंद मिनटों में बदलकर उन कर्मचारियों को अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठाना पड़ जाएगा। आखिर वही हुआ जिसका शक था और जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े को उक्त अपने आदेश को निरस्त करते हुए पत्र क्रमांक 9111 दिनांक 23/12/2022 को जारी करना पड़ा।
आखिर जिला पंचायत सीईओ की क्या मजबूरी थी कि घूसखोर दैनिक वेतन भोगियों को पहले हटाया जाता है, इसके बाद आनंद फानंद अपने ही आदेश को निरस्त कर दूसरा आदेश जारी करना पड़ता है, ये तो वही जाने। लेकिन जिला पंचायत सीईओ के उक्त आदेश से यह तो सुनिश्चित हो गया है कि किस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को कठपुतली बनाते हुए सत्ता में बैठे लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और जिले के आला अधिकारी कठपुतली बनकर लगातार उनके इशारों पर नाचते भी जा रहे हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं तीन पत्रों को, किस तरह से राज्य सरकार ने इन कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन सत्ताधारी स्थानीय विधायकों के दबाव में आला अधिकारी इन्हें महत्वपूर्ण मलाईदार पदों पर बैठा कर रखते हैं और जब लोगों की कार्रवाई होती है तो हटाने का ढोंग किया जाता है और चंद मिनटों में ही आदेश को निरस्त कर उन्हें फिर से उन्हीं की पुरानी कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके बाद आपको सुनाएंगे विपक्ष के लोगों को आखिर इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के उनका क्या कहना है और उनकी क्या राय है। तो देखा आपने भ्रष्टाचार में कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर कौन कौन से बड़े अधिकारी शामिल हैं और हमारी आपकी कमाई से कैसे अपने और अपने संरक्षणदाताओं की तिजोरियां भर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं विपक्ष के लोगों को जिन्होंने इस मुद्दे पर क्या क्या आरोप लगाए हैं और क्या क्या आरोप प्रत्यारोप का जो सियासत है वो जारी है। उपायुक्त रीवा लोक आयुक्त ने जनपद पंचायत के सीईओ, कंप्यूटर ऑपरेटर और एक लेखाधिकारी को पकड़ा था। उसमें से दो जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे दैनिक वेतन भोगी थे, जिनको राज्य सरकार से आदेश है कि इनको नहीं रखा जा सकता, उनको जिला सीईओ ने हटाया और पुनः उसी पद में रख दिया। क्या लगता है कि भाजपा का ये जो सुशासन मना रहा है, जो कलेक्टर जिला सीईओ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण है? देखिए, इनको तो वैसे जो गाइडलाइन आई थी तो 2019 से ही हटाने का आदेश था, लेकिन इनको बीच में नहीं हटाया गया, रोका गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं या जो यहाँ सत्ता सरकार का संचालन करते हैं रीवा में बैठकर, उन सबकी मिली भगत से कहीं ना कहीं दबाव से उनको रोका गया और 23 दिसंबर को जब उनको हटाया जा रहा है, इसके बाद दो तीन दिन बाद उनको उसी दिन फिर से आदेश ये जारी किया जाता है कि इनको यथावत किया जाए। तो ये तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनसे ये जुड़े लोग हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, एक जो वहाँ पर जयराम अग्निहोत्री जी हैं उनका लड़का है और एक ललित द्विवेदी जी हैं और एक विजय शर्मा है, ऐसे तीन लोग हैं और एक पर तो लोकायुक्त की कार्रवाई का भी आरोप लग चुका है। तो ऐसे में जो इनको फिर से यथावत किया गया तो कहीं ना कहीं इनको फुल राजनीतिक संरक्षण के चलते किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा, ये जो रीवा के अंदर जो ये कलेक्टर बैठे हैं इनको तो अभी कोचिंग लेना चाहिए, ट्यूशन पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल कलेक्टर के योग्य नहीं है। मेरा ये आरोप है कि मैं यहाँ सुअर पशुपालकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ढाई महीने से अधिक समय से यहाँ हम बैठे हैं। मैं कटनी कलेक्टर से भी मिला, वहाँ भी यही समस्या है सुअर पशुपालकों के साथ, लेकिन जो जज्बा उस कलेक्टर में मैंने देखा और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ढाई महीना से हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं वो कलेक्टर आज तक पीड़ितों से मिलने नहीं आया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल कलेक्टर के योग्य नहीं है, ये बिल्कुल प्रशिक्षित कलेक्टर नहीं है, इनको कोचिंग लेना चाहिए। ऐसे कलेक्टर को यहाँ कतई रीवा में रहने का अधिकार नहीं है। जो पहले आदेश कराते हैं हटाने का और फिर से यथावत कराने का, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और बिल्कुल रीवा में पूरी तरह से जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जनता का खून चूसा जा रहा है, आप पहले से कर्मचारी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वहाँ चारों बाहर बैठे रहते हैं, सैलरी जा रही है, राज्य सरकार के आदेश को धता बताकर बाहर के नेताओं के आदमियों को रखा जा रहा है, महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कलेक्टर प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा तो लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है, तब तो इस तरह के कार्य हो रहे हैं, कलेक्टर कुर्सी के नीचे लोकल पुलिस पकड़ रही है, पुलिस के नीचे थानों में कर रही है, TI पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें तो महातरत है हासिल, किसका संरक्षण? देखिए, यदि सर्वे कराया जाए तो जो तमाम भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो नियुक्तियां हुई हैं कहीं ना कहीं सत्ता सरकार से जुड़े लोग हैं और वो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको यही लोग बचाने का प्रयास करते हैं।
आगे कुछ विपक्ष भी कुछ भूमिका है, कुछ कुछ आवाज उठाएंगे जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, हम खुलेआम पकड़े जा रहे हैं, संरक्षण दिया जा रहा है। मैं तो हमेशा उठा रहा हूँ और मैं आगे और भी जाना पड़ेगा, माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा या और जांच एजेंसियों में भी जाना पड़ेगा, तो मैं भी ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस ही चुप्पी साधे हैं क्या, सबकी मिली भगत है? देखिए मैं बहुत बड़ी बात बता दूं, आप रीवा के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छी आपकी समाज में भूमिका है दिशा देने की। ये बसोर समाज का यहाँ आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से और हम सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार इसमें दोषी है, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। राजस्व परिपत्रिका में भी दर्ज है कि मृत सूरों को मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पर संविदा कर्मियों का आंदोलन चल रहा है हमारे पड़ोस में 15 दिसंबर से। मैं स्वागत करता हूँ कि जो भी विपक्ष के लोग वहाँ आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं समर्थन करने, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक दो लीडरों को छोड़ करके जो प्रमुख विपक्षी दल के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, एक दर्जन से अधिक लीडर यहाँ आए, चाहे वो शहर अध्यक्ष हों, चाहे ग्रामीण अध्यक्ष हों, चाहे और जो लोकसभा प्रत्याशी हों, चाहे पूर्व महापौर प्रत्याशी रही हों, वो तमाम लोग यहाँ पर आए, लेकिन उन्हें गरीब बसोर समाज नहीं दिखा। ये बड़ी कष्ट और पीड़ा का विषय है और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और ये लोग उनकी यात्रा पर जो है घाव कर रहे हैं, नमक छिड़कने का काम। मुख्यमंत्री को खाना खाना होगा तो आपके बसोर समाज में आते हैं, खाना खा के दिखाते हैं कि हमने खाना खाया उनके साथ? देखिए मुख्यमंत्री तो बहुत नौटंकीबाज है, वो तो चरण धो लेंगे बसोर समाज का, वाल्मीकि समाज का चरण धोते हैं, लेकिन आज तक यहाँ 8-8 विधायक हैं, 1-1 सांसद है, उनको शर्म नहीं आई कि यहाँ एक दिन भी पीड़ितों की जो है पीड़ितों का हाल जानने यहाँ पहुँचे। बिल्कुल ये जनता का खून पी रहे हैं, जनता के दुश्मन है, जन विरोधी सरकार है और जो विपक्ष की अहम भूमिका पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बैठी है ये भी पूरी तरह से जन विरोधी होते जा रहे हैं। रीवा जनपद पंचायत में जनपद के CEO बाबू और एक कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ा गया, जिला पंचायत CEO ने आदेश जारी किया कि इन कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाया जाए। नियम भी है कि कायदे के साथ अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उनको हटाया जाता है, लेकिन पुनः आदेश कर दिया जाता है चंद मिनटों में। क्या मानते हैं किस तरह से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसका बढ़ावा दिया जा रहा है और क्या आप क्या करेंगे? ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये कलेक्टर महोदय जो कि जिले के मुखिया हैं, ये इस काम को देख कर मेरे को ये कहना पड़ेगा, जिस प्रकार से 23 तारीख को आदेश सुबह निकलता है और शाम को उनकी वापसी हो जाती है, जबकि मेरे पास जो पत्र क्रमांक है, जो पत्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है 2019 में कि दैनिक वेतन भोगी जो है वो किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जहाँ महत्वपूर्ण पद हो, जहाँ पर लेखा जोखा का काम होता है उस जगह पे नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी यहाँ के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रायन शुक्ला हैं, उनके साथ के साथियों के भतीजे जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके द्वारा ही पैसा लिया जाता था। और अभी जिस प्रकार लोकायुक्त ने कार्रवाई की और जो दैनिक वेतन भोगी के ऊपर कार्रवाई इसीलिए नहीं की उन्होंने क्योंकि वो जो है दैनिक वेतन भोगी हैं, उनको नहीं रखने का कोई अधिकारी नहीं था उनके पास इस कारण के, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर सुबह ये आता है पत्र कि वहाँ से जो है उनको अन्यत्र कहीं पर वो किया जाता है, उनको हटाया जाता है और शाम को जिस प्रकार से CEO का आना, तो जिस प्रकार से CEO जिला पंचायत जो है मिस्टर स्वप्निल जो है पुराने जो हैं गौशाला का मामला हो बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ जो कलेक्टर पुष्प जी से मैं पूछना चाहता हूँ जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा होने के नाते कि आपका दायित्व जो आप जो है अपना जो वेतन जो ले रहे हैं उसको आपको देख रेख के लिए किया गया, आप इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर लिप्त लोगों को वापस ऐसे कैसे आपका CEO जो है वहाँ पर एक बार क्या तमाशा बना रखा है कि सुबह एक हमने उनका निलंबन का या स्थानांतरण का लेटर जारी कर दिया, शाम के वक्त जो है फिर वापस कर लिया, तो आखिर ये कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि ऊपर से जिला कलेक्ट्रेट से लेकर नीचे बाबू तक जो है इस मध्य प्रदेश में एक सेटिंग है, तंत्र है जो कि विधायक मंत्री और शिवराज सिंह चौहान के लिए पैसा उगाही का काम करते हैं और वही सब लोग जब पकड़े जाते हैं दिखावे के लिए बाहर, लेकिन लेटर को जब जारी किया तब तो दिखाया गया। क्या इसको मीडिया कर्मी भी, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या रीवा जिले के लोगों को मालूम है कि शाम को जो है ये पत्र जो है वापसी और वापस आके वहीं पर फिर से काम करने लगते हैं? ये सवालिया निशान है और मैं कहना चाहूँगा इस वक्त मैं आया था उनसे मुलाकात करने के लिए, अपने एक उस पर बैठे हुए मीटिंग चल रही है, कलेक्टर महोदय से मैं बोलूँगा जमीर को झांक कर अपनी तनख्वाह लेने की ज़रूरत है और ये बात जो है आप सभी रीवा के जितने लोग हैं उनसे ये बात है ताकि ये आने वाले वक्त पे ऐसी लूट मार आपके साथ जो होती है इसका कारण ये है कि दैनिक वेतन भोगी को बैठा कर उनके कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और जिम्मेदार पदों में बैठाना बेहद ही दुखद है। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग में पहले से 4 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं,
लंबी सैलरी पा रहे हैं उनको पदभार नहीं दिया जाता। जो बाहर से आता है दैनिक वेतन भोगी है उसको महत्वपूर्ण दिया जाता है, खाते में पैसा ट्रांसफर करता है, सचिवों को पैसा ट्रांसफर करता है और वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। एक तो अग्निहोत्री है, भाजपा के पदाधिकारी उनका बेटा है, दूसरा भी वहीं बथरा से है, तीसरा यहाँ डी रीवा जनपद, तो संरक्षण है, नेताओं का संरक्षण है, विकास पुरुषों का संरक्षण है, खून पीने के लिए छोड़ दिया गया है ऐसे लोगों को। ये बात है उस समय की, उस वक्त की बात है जब हमारे यहाँ पर जो मेरा प्रतिद्वंदी इस आठों विधानसभा का सबसे बदनाम विधायक केपी त्रिपाठी जब जनपद अध्यक्ष हुआ करता था, तब के ज़माने से जो है इस प्रकार के, वो जो मेरे बाजू के जयराम अग्निहोत्री हैं उनके भतीजे हैं, एक बद्रा से एक मित्र आता है जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, कभी वहाँ पर धान खड़े वगैरह और ऐसे छोटे मोटे काम करता था, उसको ला के यहाँ पर सेट करना, यहाँ बैठाए हुए, और ये जो है दोनों लोग जो हैं रायन शुक्ला बेहद करीबी हैं, रायन शुक्ला का वसूली का केंद्र बना हुआ है, सब जगह 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 पर ऐसे ऐसे लोग बैठाए हुए हैं, तो एक उदाहरण मात्र है। तो यहाँ पर ये जानबूझ के वो लोगों को और वो सब लोग जो लोग जिम्मेदार लोग हैं जो बैठे हुए हैं उनको ये काम इसलिए सौंपा जाता है क्योंकि वो जिम्मेदारी से काम करेंगे और किसी प्रकार का लूट तंत्र नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वो परमानेंट कर्मचारी हैं, उनके ऊपर उनको दायित्व तो है कि हमारा भी जो है बहुत कुछ सरकार के पास होता है उसको जब्ती हो सकती है, लेकिन ये दैनिक वेतन भोगी रोज़ खाने रोज़ कमाने रोज़ मिलने वाला ये लोग ही मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खुले रूप से आप लूटो, हम आपके संरक्षण में हैं। ये बात 23 तारीख का दो एक ही बात पे दो निर्णय आने, सुबह को उनको बाहर हट करना, शाम को वापस करना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रायन शुक्ला जी, मैं आपसे विनम्र विनती करूँगा कि आपके जो है एक संस्कारी पिता के पुत्र हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा सोचा जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से कलाइयाँ खुलना शुरू हुई हैं कि मैं मान रहा हूँ कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर आपका संदेश नहीं आना, इस प्रकार काम आपकी विधानसभा में होने के बावजूद और आपने जो लाए हुए कलेक्टर पुष्प को इनको बोलकर तत्काल हटवाने की जरूरत है और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो ये पूरा रीवा जाने कि भ्रष्टाचार की शुरुआत यही हो रहा है। राज्य सरकार के आदेश को बताया जा रहा है, राज्य सरकार का आदेश है 2019 से रखा नहीं जाना, इसके बाद भी अपना आदेश चल रहा है। यहाँ पर कोई आदेश, किसी प्रकार का कोई आदेश, सब आदेश को धता बताकर यहाँ पर रख दिया जाता है। मेरे हाथ में मैंने दिया है, दैनिक वेतन भोगी को किसी प्रकार से रखने की जरूरत नहीं है, ये आदेश 19 पे आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद महत्वपूर्ण पद में रखना, ये जबरदस्ती रखना और यहाँ पर जो है सारा लेकर नीचे, सभी मैं कई जगह पर गया था, सब जगह लूट है, धान खरीदी केंद्र का लूट चल रहा है, आपका तहसील के अंदर लूट चल रही है, आपके यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट में जहाँ बैठे हुए हैं इसके अंदर लूट चल रही है, इसमें सारे हो रहे हैं, जिला जितने जनपद के अंदर में जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, तो लूट तंत्र से ही ये पैसा बना रहे हैं, इसी बात से भी चुनाव लड़ते हैं, इसी बात के साथ में जो है ये घोर अन्याय है और जनता की तरफ से मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ, अगर ऐसा जल्दी नहीं होता है इनको, अगर तीनों को नहीं, तो मैं तत्काल जो है हम लोग जो है पहुँच के उसी कार्यालय पहुँचेंगे जनपद कार्यालय में और तीनों लोगों से हम लोग सवाल पूछेंगे और जब तक इनको हटाएं तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं। तो ये है लोगों के सरकार और प्रशासन पर आरोप, आरोप कितने जायज हैं ये आप खबर देखकर अंदाजा लगा लेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं उक्त दोनों आदेश जारी करने वाले जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े को कि आखिर उनकी क्या मजबूरी थी और आगे अब वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। उनको हटाने के लिए कुछ आदेश जारी किया गया था, क्या मामला है सर, फिर कैसे आदेश निरस्त हो गया, क्या जाँच चल रही है, कार्रवाई चल रही है? कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाने के लिए तो नहीं था, हमने संबंध करने के लिए एक आदेश जारी किया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास उनके जो जिस जनपद रीवा जनपद में पदस्थ है, जो आपके द्वारा जानकारी दी गई थी और पहले भी उनकी कुछ मौखिक शिकायत मेरे पास आई थी, तो हमने उसको हटाने के लिए मैंने संबंध करने के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन हमें जब सरकारी वकील से बात की गई तो उन्होंने कहा किया कि उनके पहले डॉक्यूमेंट चेक कराए जाए कि क्या उनकी पदस्थापना वहाँ है या नहीं और परमानेंट है या नहीं है, अगर पदस्थापना नहीं है तो उनको वैसे ही निकाला जा सकता है, अगर पदस्थापना है तो नियम अनुसार उनको नोटिस देकर निकालना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम पहले डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और क्या क्या शिकायत है उस हिसाब से हम उसकी कार्रवाई करेंगे। सर ऑलरेडी आपके जनपद पंचायत में 4 कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्थाई है, कंपनी इतने हैं जो कंप्यूटर में दक्ष है, उनसे काम नहीं लिया जा रहा, बाहर के व्यक्ति द्वारा काम दिया जा रहा था, जो कि शायद वही परिणाम रहा कि लोगों की कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो ऐसे पर कुछ जांच कर कार्रवाई, ये यही इसीलिए हमने बोला है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर और जो भी बाहर के व्यक्ति वहाँ बैठते हैं, पहले उनके बारे में मैंने संजय सिंह और हमारे एडिशनल सीईओ है दोनों को पदस्थ किया है वहाँ, उनको बोला है पहले इसमें साफ़ सफाई की ज़रूरत है कि वहाँ कोई भी ऐसी गंदगी ना हो कि बाहर के आके लोग कोई बदमाशी करे या गंदगी करे, जब तक कि वो चेक करें तब तक हम भी नहीं बता पाएंगे कि कौन बाहर का है कौन अंदर का है, क्योंकि हम कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो तुरंत हाईकोर्ट में चले जाएंगे, हाईकोर्ट में चले जाने के बाद फिर उस स्टे लेके आएंगे और उनके पास डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि हम यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉई, जो कि हम नहीं देना चाहते, इसलिए थोड़ा सोच समझ के जो जो बाहर के हैं उनको हटाया जाएगा, जो बाहर के नहीं है वो अपना जो उनको दायित्व दिया है उसी का काम करेंगे और कोई भी बाहर बैठ के ऐसे फ्री में नहीं खाएगा। माना जाए सफाई होगी जो अगर गलत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो सत्ता के दबाव में क्या प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए सुशासन जिंदाबाद कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही, इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी नेता सुने भी तो क्यों, उनके चहेतों गुर्गों और रिश्तेदारों को तो नौकरियां मिल रही हैं, मलाईदार पदों में बैठे भी हैं और तिजोरी भी भर रहे हैं। ऐसे में अब जनता सोच सकती है कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ने का असल कारण क्या है। फिलहाल अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। भ्रष्टाचार और तमाम बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।